तुझे बताई दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो यहाँ पे मैंने मंदिर का पर्दा खोल दिया है और अब सुबह ये वो बज रहे हैं, 5:30 का टाइम हो रहा है और अभी बच्चे और ये सो रहे हैं। और मैंने पहले सबसे पहले मैं हाथ मुँह हाथ धोती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, फिर उसके बाद कुल्ला वुल्ला करके फिर मैं भगवान के पर्दा खोलती हूँ मंदिर का। उसके बाद मैं झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ और फिर मैं किचन में स्लैब वगैरह सब साफ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर दी है, पूछ दी है। वैसे रात की पुछी पुछाई होती है लेकिन फिर भी मैं सुबह पूछती हूँ। और इसके बाद ये गाइस, शाम को जो अदरक वाला दूध बनाया था मैंने बच्चों के लिए, तो पता नहीं सुरभि या लव ने, किसी ने, एक ने पिया नहीं, तो फिर वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे मैं दूध ले आई और अब मैं मलाई को निकाल लूँगी, जो मलाई, और इसी में से मैं तो ये शाम को जो एकदम गर्म करके दूध रख देती हूँ ना, तो ये फ्रेश दूध है, तो इसी में से मैं थोड़ी सी मलाई निकाल के रख लेती हूँ अलग कटोरी में। तो इससे मैं भगवान का भोग लगा देती हूँ, तो गौ माता के लिए जो निकालते हैं। तो अभी मैं दही नहीं जमा रही हूँ इस वजह से, और दही जमाती हूँ तो फिर दही से लगा देती। गाइस, मेरे पार्लर मतलब कस्टमर मेरे पार्लर में आ गए हैं और वो कह रहे हैं आंटी हमारी थ्रेडिंग बना दीजिए। मैंने कहा मैं थोड़ी पूजा कर लूँ, पूजा करने के बाद कोई काम करती हूँ मैं, तो पहले हम फटाफट भगवान की झटपट से पूजा करके आती हूँ। तो अब मैं भगवान की पूजा हो गई है और मैंने एक थ्रेडिंग बना के आ गई हूँ। और इसके बाद क्योंकि हम लोगों के लिए उसका बैटर रखा हुआ था डोसे का, और सुबह लव सुरभि है ना, लंच लेके नहीं गए थे, बोले कि माँ हमारा रात का ही पेट इतना भरा हुआ है, लंच नहीं ले जाएंगे। तो ये उन लोगों में अच्छी आदत है, अगर उनका पेट अगर ऐसा होगा तो वो नहीं ले जाते हैं, तो उनका भरा हुआ पेट था वो नहीं ले गए। तो यहाँ पे मैं कि मैंने सोचा कि फिर मुझे बनाना तो था ठाकुर जी के लिए, तो मैं उस डोसे का तो नहीं लगाती क्योंकि वो तो शाम का था, उससे तो लगाने से रहे। तो मैंने क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने आटे मीट चीला बनाया है, तो यहाँ पे मैंने आटे मैं शक्कर को मिला दिया और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए एक चीला बना दूंगी और इससे मैं ठाकुर जी का भोग लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं देसी घी का चीला बना रही हूँ, तो मैं ठाकुर जी का भोग देसी घी से ही लगाती हूँ। तो मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने कहा आटा लगाऊँ, मैंने कहा नहीं भगवान के लिए चीला बना दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने देसी घी का चीला बना दिया है क्योंकि ठाकुर जी का तो भोग लगाना था। गाइस मैं बिजी कितनी भी हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठाकुर जी का भोग लगा दूँ मैं, तो कभी कभी नहीं लगा पाऊँ तो फिर मैं शक्कर से लगा देती हैं और नहीं तो मैं ड्राई फ्रूट से लगा देती हूँ, लेकिन ठाकुर जी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया है और यहीं गैस पे ही लगा दिया है मैंने, और फिर मैं मंदिर में भगवान के आगे रख देती हूँ मैं, तो क्योंकि गैस पे अग्निदेव पे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो गाइस, मैंने ठाकुर जी का भोग लगा दिया है और मेरे पार्लर में कस्टमर आ गए हैं और एक आने वाला है, एक की थ्रेडिंग बनानी थी तो मैंने उन्हें बिठा दिया है, मतलब वो मतलब पास के ही थे। और मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, मैंने ठाकुर जी के लिए मीठा चीला बनाया था क्योंकि हम लोगों के लिए डोसे का बैटर रखा हुआ है, तो हम लोग डोसा खाएंगे, तो मैंने ठाकुर जी के लिए मीठा चीला बना दिया है। तो मैं मिलती हूँ बाप से बाद में। तो यहाँ पे मैं जो बैटर रखा था उसका मैं डोसा बना रही हूँ, तो सुरभि स्कूल से आ चुकी है तो मैं सुरभि के लिए मैं सीख रही हूँ और काफ़ी अच्छा सिखाया है गाइस, काफ़ी अच्छे, एकदम पतला और एकदम सॉफ्ट सिखाया है क्योंकि कल उसे बैटर को रखने का इतना टाइम नहीं मिला था, तो कल तो हल्के हल्के बनाया था और आज वो रात भर रखा रहा था ना, तो उससे उसे टाइम मिल गया था, तो काफ़ी सॉफ्ट भी बना है। तो यहाँ पे मैं सुरभि को दे दूंगी और सुरभि स्कूल, देखिएगा इस कितना बना। और दूसरी साइड में
मेरा दलिया रखा है उसका बाजरे वाला दलिया है, तो मैं वो गरम कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए गाइस कितना बढ़िया, और एकदम तवे से थोड़ा ही छोटा है और काफ़ी अच्छा बना है। सुबह बोल रही माँ एकदम ये मार्केट जैसा लग रहा है। तो गाइस अब मैं सुरभि का मैंने बना दिया था, बना के गई थी, उनका बना दिया था, मम्मी पापा का बना दिया था। मतलब मम्मी पापा डोसा नहीं खाते हैं वो लोग। मम्मी पापा का बाजरे का दलिया था वो मम्मी पापा का गया है, वो ले गए हैं। और लव का मैं बना के रख के आई हूँ अब, क्योंकि उसके बाद मैं चली गई थी पार्लर में, कस्टमर आ गए थे मेरे। तो सुरभि का, इसके पापा का और दादी दादू का दलिया बनाया था, उन्होंने दलिया खाते हैं तो बाजरे का दलिया बनाया था। और अब मैं आई गाइस लव का बना के रख के आई, तो अब ये लेके आई गाइस फिर से 2 दिनों का डोसी। तो मैं और बाजरे का दलिया मैंने दादी दादू के लिए बेच दिया है, तो क्यों मम्मी पापा को डोसे से कहते हैं कि ये मत भेजा कर, ये नहीं अच्छा लगता। अब से नहीं, उन्हें पहले भी बनाया है मैंने, तो तब भी नहीं खाते वो। सांभर टेस्ट कर लेते हैं, दलिया नहीं खाते वो, डोसा नहीं खाते हैं वो। उनको अच्छे लगते खीर पुए, उनकी फेवरेट है खीर पुए, तो वो हमारे यहाँ बनते रहते हैं। तो मैं खाती हूँ गाइस, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये मैंने कल ली थी मेथी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मुरझा सी गई है मेथी। तो गाइस यहाँ पे मैं गद्दे कवर चढ़ा रही हूँ, और ये शुक्रवार का है यानी कि आज का है ये। तो यहाँ पे मैं गद्दे कवर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि धूल तो गए थे, मैं चढ़ा नहीं पाई थी, तो मैंने कहा कि गद्दे के कवर भी चढ़ा दूँ। और इसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि नहा के चढ़ाऊंगी, और इस चक्कर में रहूंगी तो मैं इनके चढ़ा नहीं पाऊंगी, तो मैंने इनको 5 minutes later 2000 years later तो गद्दे पे कवर चढ़ा दिए मैंने, और चादर बेडशीट ये चेंज कर दी है मैंने। वैसे मैं कल करने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने आज कर दी, कोई बात नहीं है मैंने कहा तो आज कर दिया। और आज है थर्सडे, और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और बच्चों का तो सुबह बच्चे स्कूल चले गए, उनका हो गया, अभी ये आएंगे 11:30-12 बजे तक, तो इनका लंच बनाना है मुझे। और मुझे अभी पूजा भी करनी है, तो मुझे तो पूजा में टाइम लगता है, तो मुझे पूजा करनी है अभी। इसके बाद मैं लंच वंच बनाऊंगी, फिर अपने फरार का भी देखूंगी क्या है। तो अभी तो मुझे नहाने जाना है। और जो मैंने मेथी ली थी वो मैंने बीन के रख दी है, और उसको काटूंगी, तो देखते हैं आज तो नहीं कल फ्रिज में रख दूंगी। वैसे भी मुझे हंसी गई है वो, तो मैं कल उसे बना लूँगी, पराठे बना लूँगी। और अब मैं चाह रही हूँ नहाने के लिए, ये पूजा करूँगी फिर, तो फिर मैं तो क्योंकि कल वीडियो की एंडिंग नहीं करी थी, तो मैंने सोचा आज वीडियो की एंडिंग कर दूँ। तो फिर आपसे मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।